नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जनरल साइंस का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि आज की क्लास में हम बात करेंगे श्वसन तंत्र से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। ये आपको आगे आने वाली सभी एग्जामों में, विशेषकर सीईटी एग्जाम जो हाल ही जनवरी में है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, श्वसन केंद्र जो श्वसन को नियंत्रित करता है ये कहाँ स्थित होता है, यानी कि श्वसन केंद्र जो श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है ये कौन सी जगह स्थित होता है। तो देखिए, मस्तिष्क का भाग होता है ये तो फिक्स है, लेकिन कौन सी जगह से नियंत्रित होगा उस पर्टिकुलर भाग का हमें नाम बताना है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिरकार श्वसन होता क्या है। देखिए, श्वसन की बात करें तो ऑक्सीजन को लेना और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये जो प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को हम जानते हैं श्वसन के नाम से। और इस श्वसन के अंतर्गत जो जो अंग काम में आते हैं उन सभी अंगों के समूह को कहते हैं हम श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र क्या हुआ, श्वसन तंत्र अपने आप में एक अंगों का समूह हो गया जो सभी श्वसन की प्रक्रिया यानी कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए काम में आती है, उन सभी अंगों के समूह को हम कहते हैं श्वसन तंत्र। देखिए, श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य अंग आते हैं, तो बात करें यहाँ तो सबसे पहले जो अंग आता है वो आता है नासिका छिद्र, जहाँ से हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं। नासिका छिद्र के बाद आता है स्वरयंत्र, स्वरयंत्र को लेरिंगल के नाम से भी जानते हैं। देन आता है श्वास नली, श्वास नली के बाद में आता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद में जो अगला अंग है वो है फेफड़े। तो इस प्रकार से ये सभी के सभी मिलकर के, इन सभी अंगों को मिलाकर के कहा जाता है श्वसन तंत्र। तो ये सभी श्वसन तंत्र के हिस्से होते हैं। तो यहाँ बात हो रही थी हमारी कि श्वसन को किस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जहाँ केंद्र होता है उसे किस नाम से जानते हैं, मेडुला ऑब्लोगेटा के नाम से उसे जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य के फेफड़े की कुल क्षमता कितनी होती है, मनुष्य के फेफड़े की कुल क्षमता कितनी होती है। देखिए, यहाँ बात हो रही है फेफड़े की, तो फेफड़ों की बात करें तो इनकी जो आकृति होती है फेफड़ों की वो होती है शंकु के आकार की, यानी ये होते हैं शंकुआकार। तो शंकुआकार आकृति के होते हैं फेफड़े, साथ ही साथ ये स्पंजी भी होते हैं, स्पंजी भी होते हैं, और स्पंजी के अलावा इनके रंग की बात करें तो इनका रंग होता है लाल। और ये कहाँ रहते हैं, तो ये डायफ्राम के ऊपर टिके हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से ये बात हुई बेसिक फेफड़ों की। देखिए, फेफड़ों की अलग और बात करें हम तो इसमें दो फेफड़े होते हैं, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। जो दायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा लंबा होगा, एक तो दायां फेफड़ा होगा और एक होगा बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा थोड़ा लंबा होता है और बायां फेफड़े की बात करें तो ये थोड़ा छोटा होता है। तो बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है और दायां फेफड़ा थोड़ा लंबा होता है। ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ फेफड़ों की, तो फेफड़ों की कुल जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, वो होती है 5800 ml, 5800 ml होती है फेफड़ों की कुल क्षमता। साथ ही साथ आपको बात करें कि इस फेफड़े में लगभग हमेशा कितनी वायु रहती है, तो इसमें 1500 ml वायु हमेशा भरी हुई रहती है। ये फिक्स मात्रा है जो हमेशा फेफड़ों को कार्य कराने के लिए आवश्यक होती है, यानी 1500 ml वायु तो हमेशा फेफड़े में भरी हुई होती है, जबकि कुल फेफड़ों की क्षमता की बात करें तो वो 5800 ml होती है। अगला क्वेश्चन आता है, फेफड़ों का आयतन व क्षमता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है। देखिए, अब बात आ रही है फेफड़ों के, जो हमने बात करी थी इनकी कुल क्षमता है, जो कुल आयतन है उसकी 5800 ml की थी, तो ये किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है। तो इसके लिए उपयोग में लिया जाता है स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर के द्वारा इसी को जाना जाता है काइमोग्राफ, काइमोग्राफ इसे ही कहा जाता है। तो स्पायरोमीटर या काइमोग्राफ के द्वारा फेफड़ों के आयतन या फेफड़ों की क्षमता का मापन किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है, एलर्जी से होने वाला रोग कौन सा है।
तो यहाँ एलर्जी से होने वाला रोग है दमा। दमा ऐसा रोग है जो एलर्जी के द्वारा होता है, एलर्जी की वजह से होता है, जिसमें श्वास संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, न्यूमोनिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए अब बात आ रही है निमोनिया रोग की, न्यूमोनिया रोग की, इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए बेसिकली बात करें तो निमोनिया के अंतर्गत शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो होता है फेफड़े। फेफड़े में परेशानी आती है निमोनिया बीमारी के अंतर्गत। अगर ये बात करें हम निमोनिया किसे कहते हैं, तो निमोनिया की बात करें जब श्वास नली में किसी बाहरी वस्तु से श्लेष्म जमा हो जाए, श्लेष्म का जमा हो जाना, इससे क्या होगा, श्लेष्म जब जमा हो जाएगा तो फेफड़ों में वायु की कमी हो जाएगी। सीधी बात कह सकते हैं हम कि फेफड़ों में वायु की कमी होना ही क्या कहलाता है, निमोनिया रोग होता है। यानी कि वायु की कमी हो जाएगी जिससे श्वास संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये होता है निमोनिया रोग जिसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि कॉकरोच के श्वसन से संबंधी कौन सा अंग है, यानी कॉकरोच श्वसन किस अंग से लेता है, यहाँ ये बात आ रही है। तो देखिए कॉकरोच के श्वसन अंग की बात करें तो ये होती है श्वसन नली। कॉकरोच श्वसन के लिए श्वसन नली का प्रयोग करता है। इस कॉकरोच के अलावा अन्य कुछ जीवों की भी हम बात करते हैं जो अलग अलग अंगों से श्वसन करते हैं, जिन्हें हम बाह्य श्वसन के अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है। जैसे बात करें मेंढक, मेंढक के अलावा बात करें केंचुआ, मेंढक, केंचुआ या जोंक, ये तीनों के तीनों जो जीव हैं ये त्वचा से श्वसन का कार्य करते हैं। तो इनके लिए त्वचा श्वसन का कार्य करती है, मेंढक, केंचुआ और जोंक। इसी प्रकार से बात करें कॉकरोच, कॉकरोच साथ ही साथ कुछ कीट होते हैं जैसे टिड्डा, तो ये जो जीव है ये श्वसन के लिए काम में लेते हैं श्वसन नली को। तो ये श्वसन नली के सहायता से श्वसन का कार्य करते हैं। बात करें मछली की, तो जो मछली होती है ये श्वसन के लिए गलफड़ों को ही हम गिल्स के नाम से जानते हैं। तो इन गिल्स का प्रयोग करके, गलफड़ों का प्रयोग करके मछली श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट करती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, मेंढक रहा, केंचुआ रहा, जोंक रही, ये त्वचा से श्वास लेते हैं। कॉकरोच और कुछ जीव में कीट है जैसे टिड्डा, ये श्वसन नली का प्रयोग करते हैं, और मछली होती है ये गलफड़ों का यानी गिल्स का प्रयोग करती है। तो कॉकरोच श्वसन के लिए श्वसन नली का प्रयोग करता है। अब अगले क्वेश्चन पर चले तो अगला क्वेश्चन आता है, बुकलंग द्वारा श्वसन करने वाला जंतु कौन सा है। तो बुकलंग के द्वारा जो श्वसन करता है वो जीव कौन सा है, वो जंतु कौन सा है, तो वो होता है बिच्छू। अगले प्रश्न पर चले, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है। जितने भी स्तनधारी होते हैं इसमें मुख्य रूप से किस पदार्थ को उत्सर्जित किया जाता है। तो देखिए स्तनधारियों के द्वारा मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो होता है यूरिया। यूरिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है स्तनधारियों में, जिसका संश्लेषण इम्पोर्टेंट है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, तो यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत कोशिकाओं में। मनुष्य की बात कर ले या स्तनधारियों की बात कर ले तो इनमें यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, तो यकृत कोशिकाओं में होता है। सॉरी अगला क्वेश्चन आता है, एपिग्लोटिस निम्न में से किसका भाग होता है, एपिग्लोटिस निम्न में से किसका भाग होता है। तो जो एपिग्लोटिस होता है ये गले का एक हिस्सा होता है, गले का एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन निम्न में से कौन सा होगा। अग्नाशय से जो पाचक रस निकलता है इनके उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, किस हार्मोन की सहायता से अग्नाशय का पाचक रस उत्पादित होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो वह हार्मोन है सीक्रेटिन। सीक्रेटिन हार्मोन ही है जो अग्नाशय को उत्तेजित करता है कि आप पाचक रस का उत्पादन करिए। तो सीक्रेटिन वह हार्मोन है जो अग्नाशय को उत्तेजित करेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, श्वसन क्रिया में वायु में कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए श्वसन की प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ी जाती है, तो ऐसा कौन सा घटक है जिसकी मात्रा में कभी परिवर्तन नहीं होता। जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो श्वास में हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ साथ हम नाइट्रोजन गैस को भी अंतर्ग्रहण करते हैं, जलवाष्प को भी ग्रहण करते हैं, CO2 को भी ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या होता है, ऑक्सीजन गैस को तो शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। साथ ही बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर की सभी कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके बाद में हम श्वास के रूप में इसे छोड़ते हैं, तो इनकी मात्रा तो दोनों की चेंज होती रहती है, जल वाष्प की मात्रा भी इस प्रक्रिया में चेंज होती है, लेकिन नाइट्रोजन एकमात्र ऐसी गैस है जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नाइट्रोजन श्वसन की क्रिया में कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आता है कि वह जैविक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है उसे किस नाम से जानते हैं। तो देखिए किसी भी जैविक क्रिया में जहां ऑक्सीजन मुक्त होगी उस जैविक क्रिया को जानेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में होता है क्या है, CO2 गैस को तो अवशोषित किया जाता है और ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जित किया जाता है, यानी ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती है और CO2 गैसों को वो ग्रहण कर लेते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऑक्सीजन गैस कहाँ मुक्त होगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन आता है वायु जनित रोगों का समूह कौन सा है। ऐसा कौन सा समूह है जो वायु से जनित होता है, वायु की वजह से उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ बात करें एड्स, हेजा और क्षय, तो ये एड्स बीमारी है, ये वायरस से जनित बीमारी है। इसी प्रकार जुकाम भी वायरस से होता है, और बात करें यहाँ जुकाम ये भी वायरस वाली बीमारी आ गई। एनीमिया, मधुमेह तो इंसुलिन की हार्मोन की कमी की वजह से होता है, तो इस प्रकार से कई बीमारी है। कैंसर है, ये क्या होता है जब कोशिकाओं का विभाजन बहुत तेजी से होता है तो उस वजह से कैंसर होता है, तो ये वायु जनित रोग नहीं है। लेकिन यहाँ बात करें निमोनिया, तो निमोनिया क्या होता है, फेफड़ों में वायु की कमी हो गई, तो इस प्रकार से ये वायुजनित रोग है। स्वाइन फ्लू ये भी क्या है, वायुजनित रोग होता है। और एक है सार्स, तो ये सार्स जो बीमारी है ये भी श्वास से संबंधित है, ये भी वायुजनित रोग है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्स, स्वाइन फ्लू और निमोनिया, ये तीनों ही बीमारियाँ वायुजनित रोग होती है। अगला क्वेश्चन आता है मनुष्य में श्वसन दर कितनी होती है, मनुष्य में श्वसन दर कितनी होती है। तो बात करें मनुष्य में श्वसन दर की, तो सामान्यतः मनुष्य में श्वसन की दर होती है 17 से 19 श्वसन की दर श्वसन किया जाता है प्रति मिनट। एक मिनट में 17 से 19 बार श्वसन किया जाता है मनुष्य के द्वारा, तो सही आंसर है इसका 17 से 19। अगला क्वेश्चन आता है, तो अगला क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया क्या होती है। तो देखिए श्वसन की क्रिया कैसी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है श्वसन की क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो राइट आंसर है श्वसन की जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, और ऊष्मा क्षेपी के साथ साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्रयोग में आती है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है, इसीलिए श्वसन की क्रिया ऊष्मा क्षेपी होने के साथ साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है। तो ऊष्मा क्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है श्वसन की अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन आता है वायु के अंदर लेने को क्या कहते हैं। देखिए जो श्वसन की प्रक्रिया है इसे हम दो भागों में बांटते हैं, जब हम वायु को अंदर लेते हैं ये तो एक प्रक्रिया, और इसी प्रकार से जब वायु को बाहर छोड़ते हैं ये हो जाती है दूसरी प्रक्रिया। तो दो प्रक्रिया में कंप्लीट होती है श्वसन, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना या वायु को अंदर ग्रहण करना और वायु को छोड़ना, दोनों से मिलकर के होता है श्वसन का पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट। तो अब बात करें इसमें, तो देखिए श्वसन के जब वायु को अंदर लिया जाता है तो वायु को अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं हम अंतःश्वसन। तो अंतःश्वसन के अंतर्गत वायु को ग्रहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कोशिका में श्वसन क्रिया कहाँ होगी। तो कोशिका में जो श्वसन क्रिया होती है वो कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, इसकी बात की जा रही है। तो जो कोशिका में श्वसन की क्रिया होती है इस क्रिया के दौरान जंतुओं में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। देखिए श्वसन क्रिया से ही जंतुओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोशिका में श्वसन की जो क्रिया होती है इससे जंतुओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन कैसी अभिक्रिया कैसी प्रक्रिया मानी जाती है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था श्वसन जो प्रक्रिया होती है ये कैसी होती है, एक तो ऊष्मा क्षेपी होती है और साथ ही साथ ऑक्सीकरण होती है। लेकिन अब पूछा है श्वसन कैसी प्रक्रिया है, तो देखिए एक होता है अपचयन और एक होता है ऑक्सीकरण। तो अपचयन और ऑक्सीकरण एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए
तो यहाँ जो बात हो रही है, हम श्वसन की बात कर रहे हैं, तो श्वसन किसी प्रकार की अभिक्रिया होती है? श्वसन एक अपचयी अभिक्रिया होती है, एक अपचयी अभिक्रिया, एक ऑक्सीकारक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ अभिक्रिया होगी, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया होगी, श्वसन एक अपचयी अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुफ्फुस रोग होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है पीड़क नाशी उद्योग के जो कर्मचारी होते हैं, इन कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस रोग उत्पन्न हो जाता है, ये इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, पीड़क नाशिक उद्योग में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनके लिए। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है पादप के फेफड़ों से संबंधित। पादप के फेफड़ों से संबंधित क्वेश्चन है, तो पादप में फेफड़ों के लिए क्या चीज़ जिम्मेदार होती है, क्या वर्क करता है? तो वो होती है पत्तियाँ। पत्तियाँ पादप के फेफड़ों के जैसे कार्य करती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो ये है उपापचय जो अभिक्रिया है ये क्या होती है, उपापचय में क्या होता है? तो देखिए उपापचय में क्या होता है, जैव अणु का संश्लेषण यानी निर्माण होता है, और साथ साथ इसके में टूट फूट भी होती है, यानी बनेगा और टूटेगा, बनेगा और टूटेगा, ये उपापचय अभिक्रिया के अंतर्गत होगा। तो उपापचय अभिक्रिया में क्या हुआ, जैव अणु का निर्माण होना और उसका टूटना, उसका विघटन होना, ये दोनों के दोनों उपापचय अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये थे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट। तो आपको ये श्वसन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको बता दिए गए। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और इस प्रकार के आगे के क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।